from? I'm from South Korea. Let's check out their menu as well. What's up, lovely people? So I finally got back from the first Korean carnival in India, जो कि गुड़गांव के एरो सिटी में हुआ था. And what an event, man! मतलब दिल खुश हो गया. And the crowd was insane. मतलब ऐसा लग रहा था सिर्फ दिल्ली से नहीं पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए हैं वहाँ पर. सो ये इवेंट 27th और 28th अप्रैल को हुआ था, मतलब पिछले सैटरडे और संडे. एंड द टाइमिंग्स वर फ्रॉम 3 PM टिल 10 PM. सो सैटरडे को मैं क्लासेस के सिलसिले में थोड़ा सा बिजी था तो नहीं जा पाया, और संडे को तो आप लोगों को पता ही है हम सबके घर पे मेहमान नवाजी चलती रहती है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हुआ था. तो मैं यहाँ घर से कुछ 6:30 के बीच में निकला था और वहाँ पहुँच गया था एग्जैक्टली 7:15 पर. आई मीन उतनी दोपहर में जाकर करता भी क्या, बहुत ज़्यादा गर्मी में मुझे सीखना थोड़ी था. सो या एंड एज सून एज आई रीच देयर आई वॉज सरप्राइज, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था वहाँ पर. कोरिया वालों ने तो उधम मचा रखा है इंडिया में. ये सब BTS वालों का कमाल है. आई मीन वहाँ का क्राउड देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ आ चुका हूँ. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस व्लॉग. मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को इस कोरियन कार्निवल में एंड दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया वहाँ पर. बाय द वे, एक और कोरियन फेस्ट होने वाला है बहुत जल्दी, उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और लोकेशन नोएडा के आसपास रहेगी या फिर ग्रेटर नोएडा. तो चलिए शुरू करते हैं. Hi, what's up, lovely people? So I hope you and your family are doing well. My name is Rahil Zafar and I welcome you all to Zafarnama, where it's all about travel, food and people. So आज हम लोग आए हुए हैं दिल्ली के बहुत ही फेमस जगह पर, दिल्ली एरो सिटी, एंड यहाँ पर हो रहा है इंडिया का सबसे पहला कोरियन कार्निवाल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली टेक यू इनसाइड एंड देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम लोगों के लिए. सो एज यू गो राउंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टॉल्स ओवर हियर. आप लोगों को सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. इनफैक्ट यहाँ पर सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करने के लिए भी मिल जाएगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली गो इनसाइड. हो रहा है, ये देख सकते हैं आप इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और भीड़ भी बहुत तगड़ी हो रही है अभी यहाँ पे. कूल, हर एक स्टॉल पे भीड़ है. नाइस ऑल राइट. सो एरो सिटी में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, एंड ये जो फेस्टिवल है, ये जो कार्निवाल है, ये इंडिया का पहला कोरियन कार्निवाल है, एंड उस हिसाब से यहाँ पे भीड़ भी आई हुई है. सो देव गॉट फूड आइटम्स, देव कैप ज्वेलरीज ओवर हियर, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं. सो मैं जल्दी से आप लोगों को लेकर जाता हूँ हर एक स्टॉल पे, एंड थोड़ा बात करेंगे कि यहाँ पे स्टॉल वगैरह जिन्होंने लगाया है ये एक्चुअली कोरिया से हैं या यहाँ से ही ब्रांड्स हैं. सो नॉट जस्ट फूड, यू विल ऑल्सो गेट टू सी अ लॉट ऑफ पीपल सेलिंग ज्वेलरी, एक्सेसरीज फॉर वुमेन, इधर भी ज्वेलरी वगैरह सेल कर रहे हैं ये लोग. सो इस कार्निवल में अगर मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई तो वो थी वहाँ की चीज़ों के प्राइसेस को लेकर. मतलब एवरीथिंग वॉज प्राइसी, सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं बल्कि खरीदने वाली चीज़ें भी बहुत महंगी बिक रही थी वहाँ पर. अगर नॉर्मली आपको कोई चीज़ 100 रुपये में मिलती है बाहर, तो वो वहाँ पर 300 रुपये में बेच रहे थे. और मज़े की बात है कि लोग खरीद रहे थे वो सारी चीज़ें, स्पेशली टीनेजर्स. वो बोलते हैं कि BTS का मग दे दो, और क्या ब्लैक पिंक की टी शर्ट दे दो, लीसा का टी शर्ट दे दो मुझे. ऐसी चीज़ें तो मुझे सुनने में आ रही थी वहाँ पर, एंड पीपल वर बाइंग एवरी थिंग दैट वॉज अवेलेबल ओवर देयर. Hi, what's your name? Yeah, this is Kelly Lee. And where are you from? I'm from South Korea. So you specially came from South Korea to attend this event? Actually, I'm living here in India. I'm doing my own business. We are importing the jewelry from South Korea and doing my business here in India. Oh, that's wonderful. Very nice. And how's the response? It's really great, and then I'm really satisfied because there is so much crowd here. Uh-huh. I did not expect this much crowd. Oh, that's wonderful. That's wonderful.
कोरिया का और वियतनाम का बबल टी बहुत ही फेमस है एंड आई थिंक वी हैव एक्चुअली गॉट समथिंग सिमिलर ओवर हियर सो यू कैन सी बबल शबल दैट्स अ क्यूट ब्रांड नेम लेट्स चेक आउट देयर मेन्यू एज वेल एंड व्हाट आर दे ऑफरिंग लेट्स हैव अ लुक मैंने ये ऑर्डर किया दिस इज फाइन बबल टी इट एक्चुअली इज वेरी नाइस वेरी रिफ्रेशिंग प्लस गर्मी के टाइम कुछ भी ठंडा पिला दो मज़े तो आते ही हैं आई हैड टू पे 200 फॉर दिस इट्स अ नाइस थिंग एंड आई कैन टेक दिस होम कूल मैं ये बबल टी खत्म करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में सो अगर खाने की बात करूँ वैसे तो खाने के बहुत सारे आइटम्स थे वहाँ पर मैंने जो ट्राई किया वहाँ का सुशी ट्राई किया Now they're adding prawns. और एक ये बबल शबल से मैंने टी ली थी इट वॉज क्वाइट रिफ्रेशिंग बहुत ही अच्छी थी और कुछ बिंगो का प्रमोशनल ऑफर चल रहा था चिप्स के ऊपर हॉट एंड स्पाइसी कोरियन फ्लेवर वाला दैट वॉज ऑल्सो अमेजिंग बस मैंने सिर्फ यही चीज़ें खरीदी इसी में मेरा पेट भर गया था और मेरा वॉलेट भी खाली हो गया था वैसे और भी चीज़ें थी वहाँ पर आइसक्रीम वगैरह भी थी बहुत सारी चीज़ें थी खाने पीने के लिए तो और हर जगह भीड़ थी हर स्टॉल पर भीड़ थी वेटिंग चल रही थी बहुत बहुत ज़्यादा So if you want to take something home, you can actually take these packets home. Brownie wagera bhi sell kar rahe hain Uncle Shahid. Cool man. Alright, I hope you enjoyed watching this video. अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई डेस्टिनेशन पर कुछ नए एडवेंचर्स के साथ टिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप स्माइलिंग बाय बाय यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं इनफैक्ट मैंने अभी सिर्फ दिल्ली से नहीं पूरे वर्ल्ड से दोस्त नहीं पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए थे वहां पे ये तो जाने वाला है ब्लूपर्स में